तो कैसे लगत बा? अब इन जनाब को इमरती खाने का चूल मचा हुआ, चूल नशा चढ़ा हुआ है। ये इमरती बन रहा है और ये जनाब कड़ी धूप में इमरती पे नजर टिकाए हुए। ये है मम्मी, खर्चीली मम्मी, इतना इतना बिल बना बना के। हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीएसआर व्लॉग। तो हम घर से व्लॉग इसलिए नहीं बना पाए कि बच्चे को छोड़ के आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने, बिकॉज हमें जाना है कहाँ जाना है अपनी बहन के पास, सुपर एक्साइटेड। और उसके लिए बेबी के लिए कुछ सामान खरीदना है, डुबू के लिए और भाभी के लिए एनिवर्सरी का कुछ लेके आए थे, वो भी भाभी को लूज हो रहा है, उसको एक्सचेंज कराना है और भी कुछ सामान खरीदना। चलिए आपसे देखिए कि क्या क्या खरीदते हैं, दिल्ली जाने की कैसे तैयारी कर रहे हैं। और हे भगवान, और इतनी गर्मी इतनी धूप है कि इसको निकाल के बात करना बहुत मुश्किल है। होते हुए हम जा रहे हैं, इधर का रोड तो बहुत बन गया है। पहले जब हम आते थे तो ये इधर का रोड एकदम ही बेकार हुआ करता था। तो आप गेस करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, अगर आप रांची से हो तो। अगर आप रांची से हो तो गेस करो, ये रास्ता देख लो और ये तो कैसे लगत बा? अब बताओ आप कि किधर जा रहे हो, ये कौन सा रोड है रांची का? अगर आप इसको रांची से देख रहे हो तो मुझे पता है वो वाली बिल्डिंग देख के तो सभी बता देंगे, वो बिल्डिंग देख के तो सब बता देंगे। हम बस मंजिल की ओर पहुंचने वाले हैं, शॉपिंग करेंगे जल्दी, जल्दी घर भी जाना है, छोटे बच्चे को छोड़ देना है। अभी हम पहुंचे हैं इमरती की दुकान में और इन जनाब को इमरती खाने का चूल मचा हुआ, चूल नशा चढ़ा हुआ। तो अभी हमारे इमरती बन रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने क्योंकि हमें जाना है दिल्ली, और कुछ बाबू के लिए शॉपिंग करना है, कुछ हमारे लिए करना है। और शॉपिंग के पहले इस कड़कती धूप में इन जनाब को खाने का मन हो गया है जलेबी, तो ये खाने के लिए रोके है गाड़ी जलेबी। तो अभी हम लोग जलेबी खाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करने जाएंगे। किसको लालच आ रहा है, ये तो यम्मी दिखता ही है। ये इमरती बन रहा है और ये जनाब कड़ी धूप में, आप देख सकते हो कितनी तेज धूप है, और ये इमरती पे नजर टिकाए हुए इमरती देख सकते हो, भूखा इमरती का भूखा आदमी। दो रांची की गर्मी बहुत भयानक है, मतलब हमें ऐसा लगता है बातें अमृति खा के गर्म गर्म जान निकल जाए। अभी हम कुछ ठंडा खाएंगे लाइक आइसक्रीम और कुछ, पहले नहीं पहले कुछ काम करते हैं, पहले काम करने के बाद हम काम करेंगे, ठीक है? ठीक है। सुनो, वी आर रीच एट माय डेस्टिनेशन। तो हम पहुंच चुके हैं अभी कहां, लो ये इंसान टेक्निक बाद है, अभी हेलमेट चोरी ना हो इसलिए हेलमेट छुपाने का टेक्निक देखो। अगर आपके पास दो हेलमेट होते हैं, हेलमेट को अंदर लगा, एक हेलमेट को ऐसे करके ऐसे लॉक कर दे, कोई लेके जा नहीं पाएगा। तो इस टेक्निक के लिए लाइक तो बनता है। तो कपड़ा वगैरह टाइप का पानी से जब हम लोग जा रहे थे तो हमारी नजर पड़ी टाइप ऑफ वाटर स्मार्ट के अंदर को गया कैफेटेरिया, और गुपचुप का पानी का कलर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड लगा। तो हम लोग अभी यहाँ आ गए हैं गुपचुप खाने के लिए, और गुपचुप खा के बताते हैं कि गुपचुप का टेस्ट वैसा ही है या कुछ अलग है। लेकिन मज़ा नहीं आया, जो ठेले का पानी खाने में आ जाए। कैसा है? थ्री टाइप्स ऑफ वाटर, आठ गोलगप्पे के साथ। गोलगप्पा वाला हस्बैंड खा लो,
खिलाओ कैमरे के। तो हम लोगों ने यहाँ सिर्फ गुपचुप ट्राई किया और गुपचुप बोल सकते हैं कि सोसो था, और तीनों पानी को मिक्स करके खाने पे थोड़ा सा टेस्टी लग रहा था, अदरवाइज सोसो था। कैफेटेरिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम लोगों को जाना था यहाँ से बाबू का कपड़ा लेने के लिए, तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे गुपचुप खाया। गुपचुप खा के बिल वगैरह चेक करवाया, चेक करवा के फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि हम लोगों को बाबू के लिए कुछ कपड़े लेने थे। इतना गर्म, तो हम लोगों ने ले लिया है बाबू के कपड़े वगैरह जो हम लोगों को लेना था। किड्स सेक्शन में आने के बाद मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखती है कि लगता है कि सारी चीजें ले ले। आस्था वहाँ पे बिलिंग करवा रही है, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट घर, क्योंकि कल हम लोगों को जाना है लेली। तो सारी तैयारी भी करनी है। ये है मम्मी, खर्चिली मम्मी, हम थोड़ा थोड़ा सा ये किए, खर्चिली मम्मी है ये। इतना बिल बना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।